अकॉर्डिंग टू सिलेबस दोष दुष्य विज्ञानम में पहला पॉइंट रोग निदान की परिभाषा एवं उसका महत्व, दूसरा पॉइंट दोष प्रकोप वृद्धि एवं क्षय के सामान्य निदान एवं सामान्य लक्षण, तीसरा पॉइंट दोष धातु आश्रय आश्रय भाव, चौथा पॉइंट धातु क्षय वृद्धि के लक्षण, पांचवा पॉइंट मल क्षय वृद्धि के लक्षण, छठा पॉइंट अग्नि दुष्टि के हेतु भेद और लक्षण, सातवां पॉइंट आम की परिभाषा और सामान्य लक्षण, आठवां पॉइंट सम निराम दोष दुष्य लक्षण, नौवां पॉइंट दोष पाक और धातु पाक लक्षण, दसवां पॉइंट आवरण की अवधारणा वर्गीकरण निदान एवं सामान्य उपद्रव, ग्यारह दोष गति और रोग मार्ग, बारह श्रोतु मूल एवं श्रोतु दुष्टि का विस्तृत अध्ययन सभी स्रोतों के विध लक्षणों के सामान्य एवं विशिष्ट हेतु तथा उनके लक्षण स्रोतो दुष्टि एवं ख वैगुणे में अंतर। पहला पॉइंट रोग निदान की परिभाषा एवं उसका महत्व। परिभाषा जो विज्ञान रोगों का वर्णन निदान पूर्व रूप रूप संप्राप्ति उपासय अनुपासय साध्य और असाध्य के माध्यम से करता है उसे रोग निदान कहते हैं। रोग निदान का महत्व उपचार से पहले बीमारी के हर पहलू और प्रकृति को जानने के लिए बीमारी के निवारण के लिए उपचार शुरू करने से पहले रोगों की जांच के लिए ताकि उचित उपचार किया जा सके। एक उपचार तभी सफल हो सकता है जब निदान सही हो। बीमारी के बारे में जानने के बाद दवा प्रक्रिया खुराक अवधि आदि का चयन करने के लिए। दूसरा पॉइंट दोष के क्षय वृद्धि और प्रकोप के सामान्य लक्षण और कारण। दोष पहला वात दोष के वृद्धि के लक्षण वाणी में कर्कशता रुक्ष त्वचा अंगों का फड़कना अनिद्रा। क्षय के लक्षण सारी क्रियाओं में मंदता बोलने की शक्ति में हास्य उत्साह हानि संज्ञा नाश। दूसरा पित्त दोष वृद्धि के लक्षण त्वचा नेत्र मूत्र पुरीस का पित्तवर्ण होना अत्यधिक भूख एवं प्यास का लगना दाह शीतल पदार्थों की इच्छा। क्षय के लक्षण शारीरिक उष्मा का हास्य जठराग्नि का मंद होना शारीरिक प्रभा का नाश शीतता का होना। तीसरा कफ दोष की वृद्धि के लक्षण त्वचा नेत्र मूत्र पुरीस में श्वेत वर्णता स्थिरता गुरुता आलस्य। क्षय के लक्षण अंगों में रुक्षता अंतर्दाह अत्यधिक प्यास लगना संधियों में शिथिलता भ्रम आदि। दोष प्रकोप के लक्षण व कारण वात प्रकोप के लक्षण कोष्ठ में सुई चुभने से पीड़ा होना कोष्ठ में वायु का संचरण। पित्त प्रकोप के लक्षण अम्लोद्गार पिपाशा परिदाह। कफ प्रकोप के लक्षण अन्य द्वेष हृदयो उत्क्लेद। दोष प्रकोप के सामान्य कारण दोष प्रकोप के कारण शास्त्र में वर्णित हैं जो कि पहला अशात्म इंद्रियार्थ संयोग, दूसरा काल शीतो उष्ण वर्षा आदि, तीसरा कर्म च दुष्कृतम इस जन्म में या पूर्व जन्म में किए गए बुरे कर्म। तीसरा पॉइंट दोष दुष्यों के आश्रय आश्रय भाव। दोष एवं दुष्यों के निम्न प्रकार से आश्रय आश्रयी भाव वर्णित हैं। दोष अर्थार्थ आश्रयी दुष्य अर्थार्थ आश्रय। पहला वात वात का आश्रय अस्थि धातु, दूसरा पित्त पित्त का आश्रय रक्त धातु श्वेत, तीसरा कफ कफ का आश्रय रस मांस मेद मज्जा शुक्र मलमूत्र। दोष एवं दुष्यों के आश्रय आश्रय संबंध का ज्ञान होने से विभिन्न रोगों की चिकित्सा में सहायता मिलती है जो औषधि या आहार विहार आश्रय या आश्रय में से एक वृद्धि करता है वह दूसरे को भी बढ़ाता है और जो एक का क्षय करता है वह दूसरे का भी क्षय करेगा। जैसे मेधनाशक औषधि कफ का भी क्षय करती है, दुग्धपान शुक्र वृद्धि के साथ साथ कफ की भी वृद्धि करता है। चौथा पॉइंट धातु क्षय वृद्धि के लक्षण। धातु सात प्रकार के होते हैं, पहला रस दूसरा रक्त तीसरा मांस चौथा मेद
पांचवा अस्थि, छठा मज्जा और सातवां सूत्र। पहला रस धातु। रस धातु के वृद्धि के लक्षण आलस्य, श्वास, काश, गुरुता। छह के लक्षण रुक्षता, कंपन, तृष्णा, शून्यता। दूसरा रक्त। रक्त वृद्धि के लक्षण रक्त पित्त, गुल्म, प्लीहा, कामला। रक्त क्षय के लक्षण अम्ल एवं शीतल पदार्थों की कामना, त्वचा का स्फुटित एवं म्लान होना, सिराओं में शिथिलता। तीसरा मांस धातु। मांस धातु के वृद्धि के लक्षण अधिमांस, अर्बुद, ग्रंथि, उदर वृद्धि। क्षय के लक्षण उदर व ग्रीवा में सुसक्ता, रुक्षता, धमनी शैथिल्य, संधियों में वेदना होना। चौथा मेद धातु। मेद धातु के वृद्धि के लक्षण दुर्गंधता, शरीर के अंगों का स्निग्ध होना, उदर व पार्श्व की वृद्धि होना, प्रमेय के पूर्व रूपों की उत्पत्ति होना। छह के लक्षण उदर का पतला होना, अंगों का कृश होना, शरीर में सदैव थकावट की प्रतीति होना, नेत्र में ग्लानि होना आदि। पांचवा अस्थि धातु। अस्थि धातु के वृद्धि के लक्षण अध्यस्थि, अधिदंत, केश, लोम। अस्थि धातु के छह के लक्षण अस्थियों में सूल, दंत का असमय टूटना, केश का असमय टूटना, नख का असमय टूटना। छठा मज्जा धातु। मज्जा धातु के वृद्धि के लक्षण शरीर के सभी अंगों में गुरुता होना, संधियों के मूल में स्थूल होना, कृच्छ्राद्ध फुंसियों का उत्पन्न होना। छह के लक्षण शुक्र धातु का अल्प होना, अस्थियों में शून्यता की प्रतीति होना, अस्थियों का दुर्बल होना, अस्थियों के कट कर गिरने की प्रतीति होना। सातवा शुक्र धातु। शुक्र धातु वृद्धि के लक्षण शुक्र का अधिक मात्रा में निकलना, सहवास की अधिक इच्छा होना, शुक्रास्मरि की उत्पत्ति। छह के लक्षण मेत्र व विषण में वेदना, मैथ्युन की शक्ति का हास, शुक्र का देर से निकलना, थकावट एवं क्लैब्य की उत्पत्ति। पांचवा पॉइंट मल क्षय वृद्धि के लक्षण। मल तीन होते हैं, पहला पुरीस, दूसरा मूत्र, तीसरा स्वेद। मल पहला पुरीस। पुरीस वृद्धि के लक्षण पहला कुछी में आध्यमान, दूसरा भारीपन व वेदना की उत्पत्ति। क्षय के लक्षण पुरीस का अल्प मात्रा में निकलना, शरीर में रुक्षता व्याप्त होना, वायु द्वारा उदर का पीड़न होना। दूसरा मूत्र। मूत्र वृद्धि के लक्षण मूत्र की मात्रा में वृद्धि होना, मूत्र का बार बार निकलना। मूत्र क्षय के लक्षण मूत्र का अल्प मात्रा में होना, शरीर में रुक्षता, मूत्र के साथ रक्त का स्त्राव होना। तीसरा स्वेद। स्वेद वृद्धि के लक्षण त्वचा से तथा संपूर्ण शरीर से दौर्गंध्य का आना एवं कांडू। स्वेद क्षय के लक्षण स्पर्श ज्ञान में वैगुण्य, स्वेद नाश, रोमों का गिरना आदि। छठा पॉइंट अग्नि दुष्टि हेतु भेद व लक्षण। हेतु आहारज निदान, मात्रा से अधिक या अल्प मात्रा में भोजन करने से, विरुद्ध भोजन, शुष्क भोजन करने से, अति जल पीने से, वेग धारण करने से। विहारज निदान ईर्ष्या, भय, क्रोध, लोभ, द्वेष युक्त आदि। अग्नि दुष्टि भेद पहला तृष्ण अग्नि पित्त दुष्टि से, दूसरा मंद अग्नि कफ दुष्टि से, तीसरा विषम अग्नि वात दुष्टि से, चौथा सम अग्नि सम दोष से। अग्नि दुष्टि के लक्षण भेदा अनुसार पहला तृष्ण अग्नि सभी प्रकार के अपचार अर्थात अपत्य सेवन, विरुद्ध भोजन, अध्यशयन आदि को भी जो सहन कर ले अर्थात पचा ले वह तीक्ष्ण अग्नि कहलाती है। तीक्ष्ण अग्नि के व्यक्तियों को जब उचित समय पर उचित मात्रा में आहार ना मिले तो उसकी अग्नि उसकी धातुओं का पाक प्रारंभ कर धातु का शोषण करती है। अतः तीक्ष्ण अग्नि के धातु नाश जन्य रोग, वात प्रकोप जन्य रोग, भस्मक आदि उत्पन्न होते हैं। दूसरा मंद अग्नि युक्ति पूर्वक व मात्रा पूर्वक किए गए आहार को भी जो अग्नि ठीक से ना पचा सके एवं थोड़े से अपचार को भी जो सहन ना कर पाए वह मंद अग्नि है। कफ प्रकृति वाले में मंद अग्नि होना स्वाभाविक है। आचार्यों ने प्रत्येक रोग के मूल में मंद अग्नि को स्वीकारा है। कफ प्रकृति वाले मनुष्यों के शरीर में अग्नि का स्थान जब कफ से
आक्रांत हो जाता है तो उनकी अग्नि प्रायः करके मंद हो जाती है। तीसरा, विषम अग्नि, वात प्रधान व्यक्तियों का अग्नि स्थान वायु से अभिभूत रहता है जिससे उनकी अग्नि विषम हो जाती है। विषम अग्नि के कारण व्यक्ति द्वारा किया गया भोजन कभी कभी आद्यमान, सूल, उदावत, अतिसार आदि विकार उत्पन्न हो जाते हैं। बागेभट्ट के अनुसार जो अग्नि अधिक मात्रा में खाए आहार को भी शीघ्र अथवा उचित मात्रा में खाए गए आहार को देर से पचाती है वह विषम अग्नि है। चौथा, सम अग्नि, जो अग्नि मिथ्या आहार विहार से विकृत हो जाए तथा पथ्य आहार के सेवन से अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहे वह सम अग्नि है। युक्ति पूर्वक किए गए आहार को ठीक प्रकार से पचाकर धातु साम्य बनाए रखना सम अग्नि का कार्य है। सातवां पॉइंट, आम की परिभाषा और सामान्य लक्षण। आम की परिभाषा, अग्नि के दुर्बल होने से आमाशयगत आहार का पूर्ण रूपेण पाक न हो पाने से जो अपक्व अधरस धातु बनता है उस वातादि दोषों से दूषित आमाशयगत अधरस धातु को आम कहते हैं। आम के लक्षण, पहला गुरुता, दूसरा दुर्गंधिता, तीसरा अभिपाक, चौथा बहुपिछिलता युक्त, पांचवा तंत्र युक्त, छठा सभी रोगों का हेतु। आठवां पॉइंट, सम और निराम दोष दुष्य के लक्षण। सम दोषों के लक्षण, स्रोतो अवरोध होना, बल की अल्पता, शरीर में गुरुता का अनुभव होना, वायु का अवरोध होकर प्रतिलोम गति करना, आलस्य, अरुचि, आहार का पाचन ना होना। निराम दोषों के लक्षण, स्रोतों की प्राकृति अवस्था होना, बल का सम्यक रूप से विद्यमान रहना, शरीर में स्वस्थता का अनुभव होना, वायु की गति प्राकृत होना, स्फूर्ति, भोजन में रुचि होना, आहार का सम्यक पाक होना आदि। सम निराम दुष्य के लक्षण, सम निराम दुष्य लक्षण आयुर्वेद शास्त्र में निम्न प्रकार से वर्णित हैं। जब रस, रक्त आदि दुष्य आम दोष द्वारा संसृष्ट हो जाते हैं तो वह सम कहलाते हैं। सम रस, रक्त आदि के लक्षण तद तद प्रदोषज विकारों के समान होते हैं। निराम, आम दोष का पाचन हो जाने के उपरांत दुष्य निराम कहलाते हैं। निराम धातुएं अपनी स्वाभाविक कर्मों जैसे पीड़न, जीवन एवं लेपन आदि को संपादित करते हैं। नौवां पॉइंट, दोष और धातुपाक के लक्षण। जिस दोष के प्रकोपित होने से ज्वर की उत्पत्ति हुई हो उसकी प्रकृति से विपरीत लक्षणों की उत्पत्ति होना, ज्वर का मृदुल होना, शरीर में लघुता उत्पन्न होना, इंद्रियों का शुद्ध होकर अपने अपने विषयों में प्रवृत्त होना। आचार्य विजय रचित जी के अनुसार मल पाका द्वि मुंजति, अर्थात मल का पाक हो जाने से शरीर ज्वर मुक्त हो जाता है। मल शब्द से यहाँ पर प्रकोपित हुए समदोष को ग्रहण करना चाहिए क्योंकि वह धातु दूषियों को मलिन करके रोग को उत्पन्न करते हैं। धातुपाक के लक्षण, शास्त्र में धातुपाक के निम्न लक्षण वर्णित हैं। पहला, निद्रा नाश, दूसरा हृदय का जकड़ जाना, तीसरा मलों का अवरोध होना, चौथा गौरव, पांचवा अरुचि, छठा बेचैनी, सातवा बलहानि आदि। विजय रक्षित जी के अनुसार धातुपाकाद्वन्ति, अर्थात धातुपाक मारक होता है। जब ज्वर आदि के रोग की निरंतर वृद्धि हो तथा शरीर में बल का नाश निरंतर होता जाए तो धातुपाक की स्थिति समझनी चाहिए। दसवां पॉइंट, आवरण की अवधारणा, वर्गीकरण, निदान एवं सामान्य उपद्रव। आवरण की अवधारणा, आवरण का शब्दादिक अर्थ है अवरोध या रुकावट होना। आवरण की परिभाषा, प्रकोपित हुए दोषों के द्वारा या वायु के किसी भेद विशेष के द्वारा अन्य किसी विशिष्ट वायु के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर उसकी स्वाभाविक क्रिया का हास्य करना, उस दोष द्वारा वायु का आवरण कहा जाता है। आवरण के घटक, आवरक, जो दोष धातु मल प्रकोपित होकर आवरण उत्पन्न करता है वह आवरक कहलाता है। आवृत, जिस वायु के मार्ग में आवरक द्वारा बाधा पहुंचाई जाती है वह आवृत कहलाती है। आवरण के भेद, आचार्य चरक मतानुसार आवरण के 42 प्रकार होते हैं।
आवरण को तीन प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। पहला स्वतंत्र आवरण, ये कुल 22 हैं। दूसरा अन्योन्य आवरण, ये कुल 20 हैं। तीसरा मिश्र आवरण, ये कुल 5 हैं। पहला स्वतंत्र आवरण, वायु के स्वतंत्र आवरण निम्न हैं। पित्त आवृतवात एक प्रकार का होता है, कफ आवृतवात एक प्रकार का होता है, सप्त धातु आवृतवात 7 प्रकार का होता है, अन्न आवृतवात एक प्रकार का होता है, मल आवृतवात एक प्रकार का होता है, मूत्र आवृतवात एक प्रकार का होता है, सर्वधात्व आवृतवात एक प्रकार का होता है, पित्त आवृत 5 प्रकार की वायु 5 प्रकार का होता है, कफ आवृत 5 प्रकार की वायु 5 प्रकार का होता है। अन्योन्य आवरण, वायु के किसी एक प्रकार द्वारा अन्य वायु के मार्ग को आवृत करना वायु का अन्योन्य आवरण कहलाता है। पहला प्राणवायु अन्य 4 प्रकार के वायु को आवृत करता है, ये 4 प्रकार का होता है। दूसरा उदान वायु अन्य 4 प्रकार के वायु को बाधित करता है, यह 4 प्रकार का होता है। तीसरा सामान्य वायु अन्य 4 प्रकार के वायु को बाधित करता है, ये 4 प्रकार का होता है। चौथा व्यान वायु अन्य 4 प्रकार के वायु को आवृत करता है, 4 प्रकार का होता है। पांचवा अपान वायु अन्य 4 प्रकार के वायु को आवृत करता है, ये 4 प्रकार का होता है। जैसे अपान आवृत समान वायु, अपान आवृत व्यान वायु, अपान आवृत प्राण वायु, अपान आवृत उदान वायु। नोट्स, आवरक की चिकित्सा पहले होगी आवृत से, क्योंकि आवरक बलवान होता है आवृत से। जैसे अपान आवृत वात में पहले वात की चिकित्सा करेंगे। तीसरा मिश्र आवरण, जब पित्त कफ 5 प्रकार की वायु को आवृत करते हैं तो मिश्र आवरण कहलाते हैं। पित्त कफ आवृत 5 प्रकार की वायु 5 प्रकार की होते हैं, जैसे पित्त कफ आवृत प्राण वायु। चिकित्सा, पहला पित्त आवृत वात चिकित्सा, जीवनीय घृत का प्रयोग करेंगे आदि। दूसरा कफ आवृत वात चिकित्सा, यव जांगल मास का सेवन कराना चाहिए, वमन विरेचन आदि कर्म कराना चाहिए। नोट्स, अगर कफ आवृत वात अमासे में है तो वमन कराना चाहिए, अगर कफ आवृत वात पकवासे में है तो विरेचन कराना चाहिए। तीसरा रक्त आवृत वात चिकित्सा, वात रक्त नाशक चिकित्सा करवाना चाहिए आदि। चौथा मांस आवृत वात चिकित्सा, स्वेदन अभ्यंग करवाना चाहिए, दुग्ध घृत तेल मांस रस का सेवन कराना चाहिए आदि। पांचवा आम आवृत वात चिकित्सा, मेदनाशक विधियों का प्रयोग करना चाहिए, प्रमेह नाशक विधियों का प्रयोग करना चाहिए आदि। छठा सातवा अस्थि आवृत वात मज्जा आवृत वात चिकित्सा, महास्नेह का प्रयोग करना चाहिए आदि। आठवा शुक्र आवृत वात चिकित्सा, शुक्रल औषधियों का प्रयोग करवाना चाहिए, बल्य चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए आदि। नौवा मूत्र आवृत वात चिकित्सा, मूत्रल औषधियाँ देंगे, उत्तरवस्ती का प्रयोग करेंगे, स्वेदन करवाना चाहिए आदि। दसवा मल आवृत वात चिकित्सा, उदावर्त नाशक औषधियाँ करवाना चाहिए, एरंड तेल का प्रयोग करवाना चाहिए आदि। सर्व आवरण, सामान्यतः सभी आवरण में जो चिकित्सा कर सकते हैं, जैसे अनुवासन वस्ती, यापन वस्ती, रसायन का प्रयोग, चवन परास, शिलाजतु का प्रयोग, गुगलू का दुग्ध के साथ प्रयोग आदि। अन्योन्य आवरण में पहला प्राण आवृत 4 प्रकार के वायु चिकित्सा, उधर्व गमन कराएंगे। दूसरा अपान आवृत 4 प्रकार के वायु चिकित्सा, अनुलोमन करवाना चाहिए। तीसरा समान आवृत 4 प्रकार के वायु चिकित्सा, समन करवाना चाहिए। चौथा व्यान आवृत 4 प्रकार के वायु चिकित्सा, त्रिधा, इसमें उधर्व गमन, अधोगमन और तिर्यक गमन तीनों करवा सकते हैं। पांचवा प्राण आवृत 4 प्रकार के वायु चिकित्सा, इसमें इन चारों से रक्षा करनी चाहिए। मिश्र आवरण, पित्त कफ आवृत वात, तो इसमें पहले चिकित्सा पित्त की करेंगे और बाद में कफ की। उपद्रव आवृत वात की उपेक्षा करने से हृदय रोग, प्लीहा रोग, गुल्म, अतिसार आदि रोग उपद्रव स्वरूप उत्पन्न हो सकते हैं। 11 रोग मार्ग और दोष गति। रोग मार्ग, आचार्य चरक ने निम्न 3 रोग मार्ग वर्णित किए हैं। पहला सखा, दूसरा मर्म अस्थि संधि, तीसरा कोष्ठ। पहला सखा,
सखा शब्द से यहाँ पर रक्त आदि धातुओं और त्वचा को ग्रहण किया जाता है। सखा को बाह्य रोग मार्ग भी कहा जाता है। सखा में उत्पन्न होने वाले रोग जैसे गलगंड, चर्म कील, कुष्ठ, अलजी आदि। दूसरा, मर्म अस्थि संधि। मर्म शब्द से यहाँ पर हृदय, वस्ती, सिर और अन्य 104 मर्म स्थानों को ग्रहण करना चाहिए। मर्म अस्थि संधि मध्य रोग मार्ग कहलाते हैं। मर्म अस्थि संधियों में उत्पन्न होने वाले रोग जैसे पक्षवध, पक्षग्राह, सोस, राज्यक्षमा आदि। तीसरा, कोष्ठ। कोष्ठ शब्द से यहाँ पर महास्त्रोत, शरीर का मध्य भाग, महानिम्न, अमाशय और पक्वाशय को ग्रहण करना चाहिए। कोष्ठ गत में उत्पन्न होने वाले रोग जैसे ज्वर, अतिसार, अल्सर, विसूचिका आदि। दोष गति। आचार्य चरक ने शरीर में दोषों की निम्न गतियों का वर्णन किया है। दोषों की त्रिविध गतियाँ, अवस्था के आधार पर क्षय, सम, वृद्धि, दिशा के अनुसार उधर्व, अधः, तिर्यक, काल के आधार पर संचय, प्रकोप, प्रशमन। दोषों की द्विविध गति, प्राकृति और व्याकृति, अवस्था के आधार पर पहला क्षय। दोषों की क्षय गति से तात्पर्य दोषों के क्षय होने से है। दोषों की क्षय अवस्था रोग उत्पादक में हेतु बनती है। दूसरा, समगति। दोषों की समगति से तात्पर्य दोषों की समता से है, जो कि प्राकृत अवस्था है। तीसरा, वृद्धि गति। दोषों की वृद्धि गति से तात्पर्य दोषों की वृद्धि से है। दोषों की वृद्धि अवस्था रोग उत्पादक में हेतु बनती है। दूसरा, दिशा के अनुसार। पहला, दोषों की उधर्व गति। प्रकोपित हुए दोष शरीर में उधर्व गति को प्राप्त कर रोगों को उत्पन्न करते हैं, जैसे उधर्वक अम्लपित्त, उधर्वग रक्तपित्त आदि। दूसरा, दोषों की अधः गति। प्रकोपित हुए दोष शरीर में अधोगति को प्राप्त कर रोगों को उत्पन्न करते हैं, जैसे अधोग अम्लपित्त, अधोग रक्तपित्त आदि। तीसरा, दोषों की तिर्यक गति। प्रकोपित हुए दोष शरीर में तिर्यक गामी गति को प्राप्त कर रोगों को उत्पन्न करते हैं, जैसे ज्वर, कुष्ठ एवं अग्निमांद आदि। तीसरा, काल के अनुसार दोषों की गतियाँ। शास्त्रों में वर्णित काल के अनुसार दोषों के संचय, प्रकोप एवं प्रशमन का वर्णन निम्न रूपों में किया जा रहा है। पहला, वात दोष। वात दोष का संचय ग्रीष्म में, प्रकोप वर्षा में, प्रशम शरद में। दूसरा, पित्त दोष। पित्त दोष का संचय वर्षा में, प्रकोप शरद में, प्रशम हेमंत में। तीसरा, कफ दोष। कफ दोष का संचय हेमंत में, प्रकोप वसंत में, प्रशम ग्रीष्म में। द्विविध गति के आधार पर दोषों की प्राकृति व्याकृति गतियां होती हैं। पहला, प्राकृति गति। स्वभाव से ही जैसे ऋतु दोषों का संचय, प्रकोप एवं प्रशम होना दोषों की प्राकृति गति कहलाती है। दूसरा, व्याकृत गति। वही संचय, प्रकोप, प्रशम यदि काल के स्वभाव से ना होकर आहार विहार के व्यतिक्रम से अन्य ऋतुओं में उत्पन्न हो तो वह दोषों की व्याकृत गति कहलाता है। स्रोतो मूल एवं स्रोतो दुष्टि का विस्तृत अध्ययन। सभी स्रोतों के विद्ध लक्षणों के सामान्य एवं विशिष्ट हेतु तथा उनके लक्षण, स्रोतो दुष्टि तथा ख वैगुणे में अंतर। आचार्य चरक ने 13 प्रकार के स्रोतस का वर्णन किया है, जबकि सुश्रुत ने 11 प्रकार के स्रोतस माने हैं। चरक मतानुसार, पहला, प्राण व स्रोतस। मूल, आचार्य चरक मतानुसार हृदय और महास्त्रोत। प्राण व स्रोतो दुष्टि के हेतु, पहला धातु क्षय, दूसरा वेगों को धारण करने से आदि। प्राण व स्रोतो दुष्टि के लक्षण, दीर्घ सांस लेना, सांस की गति में वृद्धि होना, रुक रुक कर सांस आना आदि। दूसरा, उदक व स्रोतस। मूल, आचार्य चरक मतानुसार तालु एवं क्लोम। हेतु, पहला आम दोष, दूसरा उष्ण आहार विहार के सेवन से आदि। लक्षण, जीवा, तालु, ओष्ठ, कंठ, क्लोम का सूखना, अत्यधिक प्यास लगना आदि। तीसरा, अन्य व स्रोतस। मूल, आचार्य चरक मतानुसार
वामपासर्व और अमाशय, कारण अकाल में भोजन, अहितकर भोजन करना, अति मात्रा में भोजन। लक्षण अन्य खाने की इच्छा ना होना, अन्य का ठीक ना पचना आदि। रस व स्रोतस, मूल आचार्य चरक मतानुसार हृदय व दस धमनियों। कारण अधिक मात्रा में भोजन करना, अधिक गुरु सीत एवं स्निग्ध आहार सेवन से। लक्षण पहला भोजन करने में इच्छा ना होना, दूसरा अरुचि, तीसरा अरसग्यता आदि। पांचवा रक्त व स्रोतस, मूल चरक मतानुसार यकृत एवं प्लीहा। कारण उष्ण पदार्थों के सेवन से, दाह पैदा करने वाले पदार्थों का सेवन करने से, अत्यधिक धूप व वायु के सेवन से। लक्षण पहला रक्तपित्त, दूसरा गुल्म, तीसरा विसर्प आदि। छठा मांस व स्रोतस, मूल आचार्य चरक मतानुसार स्नायु एवं त्वचा। कारण दिन में सोने से, स्थूल एवं गुरु आहार सेवन करने से आदि। लक्षण पहला अधिमांस, दूसरा अर्बुद, तीसरा गल सालुक आदि। सातवा मेदो व श्रोतस, मूल आचार्य चरक मतानुसार विक और वपावहन। कारण व्यायाम ना करने से, दिन में सोने से। लक्षण पहला अष्टनिंदित रोग के लक्षण, दूसरा प्रमेह के पूर्व के लक्षण आदि। अस्थि व स्रोतस, मूल आचार्य चरक मतानुसार मेद तथा जांघा। कारण अत्यधिक व्यायाम करना, निरंतर वातज आहार विहार का सेवन। लक्षण अधिदंत, अध्य अस्थि, अस्थि सूल। नौवा मज्जा व स्रोतस, मूल चरक मतानुसार अस्थियों और संधियों। कारण चोट लगने से, विरुद्ध आहार विहार का अत्यधिक सेवन करने से आदि। लक्षण पहला उंगुलियों के पर्व में दर्द, दूसरा चक्कर आना, तीसरा मूर्छा आदि। दसवा शुक्र व स्रोतस, मूल आचार्य चरक मतानुसार वृषण एवं सोफ। कारण पहला शुक्र के वेग को रोकने से, दूसरा अकाल में और अयोनि में मैथुन करने से आदि। लक्षण पहला क्लैव्य, दूसरा रोगी नपुंसक अल्पायु अथवा विकृत रूप वाली संतान को पैदा करता है, तीसरा कामोत्तेजना में कमी आदि। 11 मूत्र व स्रोतस, मूल आचार्य चरक मतानुसार वस्ती और वंछण। कारण मूत्र के वेग को धारण करने से, मूत्र व स्रोतों पे चोट लगने से। लक्षण मूत्र का अधिक होना, रुक रुक कर मूत्र का आना, सहसुल मूत्र का त्याग आदि। 12 पुरीस व स्रोतस, मूल आचार्य चरक मतानुसार पकवासे और स्थूल गुद। कारण मल के वेग को रोकने से, भोजन के बाद शीघ्र ही पुनः भोजन करने से आदि। लक्षण अत्यधिक मात्रा में मल का त्याग, सूल के साथ मल का त्याग आदि। 13 स्वेद व स्रोतस, मूल आचार्य चरक मतानुसार मेद तथा लोमकूप। कारण पहला व्यायाम, दूसरा अधिक धूप सेवन आदि। लक्षण स्वेद का ना आना या अधिक आना, दाह, शरीर में अधिक चिकनापन आदि। श्रोतो दुष्टि व ख वैगुण्य में अंतर। शब्दातिक अर्थ से सामान्य प्रतीत होते हुए भी श्रोतो दुष्टि व ख वैगुण्य में स्पष्ट अंतर है। ख वैगुण्य की स्थिति निदान के विशिष्ट अंशों द्वारा उत्पन्न होती है, जबकि श्रोतो दुष्टि के लिए संपूर्ण दोष दुष्य सम्मोचना का घटित होना अनिवार्य होता है। ख वैगुण्य स्रोतस के अंश में निदान सेवन के विशिष्ट अंशों द्वारा उत्पन्न की गई वैगुण्यता है, जो संप्राप्ति के स्थान संश्रय अवस्था के लिए आवश्यक है। ख वैगुण्य उत्पन्न हुए बिना दोषों का स्थान संश्रय नहीं हो पाता। श्रोतो दुष्टि व्याधि की व्यक्त अवस्था में दोष दुष्य सम्मोचना के फल स्वरूप उत्पन्न होती है। रोगों के प्रत्यात्म लक्षणों को श्रोतो दुष्टि के चार लक्षणों के आधार पर ही समझाया जाता है, जैसे अतिसार में पुरीस की अति प्रवृत्ति, अर्श में सिरा ग्रंथि आदि।